बिरहोर या बिरहुल छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। निवास स्थान के आधार पर इस जनजाति को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम उतलू बिरहोर, जो अपने रहने का जगह बार बार बदलते रहते हैं, तथा द्वितीय जगहीस बिरहोर, जो बस्तियों में स्थायी आवास में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में इस जनजाति के लोग मुख्यतः कोरबा, रायगढ़, जसपुर और बिलासपुर जिले में निवास करती हैं। सन 1971 से 1981 के दशक में इनकी जनसंख्या घट गई थी, इसीलिए सरकार ने इस जनजाति को संरक्षित जनजाति घोषित किया था तथा इनका परिवार नियोजन प्रतिबंधित किया था। प्रदेश में सन 1961 में इस जनजाति की कुल जनसंख्या 497 थी, जो 5 दशक बाद सन 2011 की जनगणना में लगभग 6 गुना बढ़कर 3104 हो गई थी। इस दशक में इनकी औसत साक्षरता दर लगभग 30% थी, जो राज्य के औसत एवं जनजाति औसत साक्षरता दर से कई गुना कम है। इस विशेष पिछड़ी जनजाति का विशिष्ट विकास पहाड़ी कोरबा विकास प्राधिकरण जसपुर नगर के माध्यम से किया जा रहा है। आवास बिरहोर कोलारियन समूह की जनजाति है। प्रदेश में इस जनजाति का उथलू या घुमंतू समूह घने जंगलों में 8-10 घरों की झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जहां प्रायः पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क इत्यादि की सुविधाएं नहीं होती हैं। इस समूह के लोग शिकार एवं वनोपज कम मिलने पर दूसरी जगह में झोपड़ी, कुरहा या कुड़िया बनाकर रहते हैं। इस जनजाति का जगीर समूह बस्तियों में पारा या टोला में निवास करते हैं। ये लोग शासकीय आवास योजना का लाभ उठाकर अब पक्के मकान में रहने लगे हैं तथा स्थायी कृषि करने लगे हैं। इनके व्यवसाय रस्सी निर्माण, शिकार, वनोपज संग्रह तथा कृषि व गृह कार्यों का उपकरण निर्माण इनका परंपरागत व्यवसाय है। बिरहोर लोग प्रदेश के अन्य जनजातियों से भिन्न बंदर का शिकार करते हैं और उसे खाते एवं बेचते हैं, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि बिरहोर जिस वृक्ष को छू देते हैं उसमें बंदर कभी नहीं चढ़ता। बंदर एवं अन्य जानवरों का शिकार ये लोग जाल एवं लाठी द्वारा करते हैं। इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय रस्सी बनाना एवं गृह कार्य के लिए आवश्यक उपकरण जैसे बहिंगा, बेट, मूसल, हल, ढोलक आदि बनाकर गांव-गांव या बाजार में बेचकर आय अर्जित करना है। इसलिए इनका एक समूह जंगल में कच्चा माल की प्राप्ति के लिए निवास करते हैं। इस प्रकार यह जनजाति समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्माण कार्य करते हैं। स्थायी निवास करने वाले बिरहोर लोग स्थायी कृषि, मजदूरी एवं प्लास्टिक का रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। मांस की आपूर्ति एवं आय के लिए मुर्गी एवं बकरी का पालन करते हैं। भोजन एवं पेय पदार्थ। बिरहोर जनजाति के लोग मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं। बंदर का मांस इनको प्रिय होता है। यह लोग उसका शिकार एक विशेष प्रकार के जाल से करते हैं। इसके अलावा यह जनजाति जंगली कंदमूल, फल, फूल एवं पत्ते खाते हैं। पेय पदार्थ के रूप में यह जनजाति हांडिया एवं महुआ का शराब पीते हैं। यह जनजाति मांस भक्षण एवं हांडिया प्राय अपने प्रत्येक संस्कार में करते हैं। यद्यपि शासन द्वारा इनको न्यूनतम दर पर राशन सामग्री प्रति माह प्रदान किया जाता है, किंतु इनके अधिकांश लोग पर्याप्त एवं संतुलित भोजन के अभाव से उनके ज्यादातर लोग कुपोषित हैं। पर्व उत्सव। प्रदेश के अन्य जनजातियों की तरह बिरहोर लोग हरेली, नवाखानी, कर्मा, सरिया, दीपावली, गोयहा, होली इत्यादि त्योहारों को मनाते हैं। देवी देवता। बिरहोर लोग झाड़ फूक एवं जादू टोना पर विश्वास करते हैं। किसी भी अनहोनी घटना या बीमार की अवस्था में प्रथमता उसका उपचार अपने स्तर पर करते हैं, किंतु आजकल जागरूक हो रहे हैं और एलोपैथिक उपचार भी कराते हैं। इनका प्रमुख देवी देवता सूर्य, भरी मसान, पितृदेव, बूढ़ी माई, पहाड़, वृक्ष, बाबा दुरालू देव इत्यादि हैं। जागरूकता के कारण
अब ये लोग गणेश, बजरंगबली, शंकर जी आदि देवता को भी मानने लगे हैं। बाबा दुरालू इनका शिकार का देवता है, जिसे प्रतिवर्ष मुर्गा एवं नारियल भेंट करते हैं। बिरहोर जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। इस जनजाति में समगोत्र विवाह वर्जित है। ये लोग चार प्रकार के विवाह करते हैं, जिसमें पहला है ढुकु विवाह। इसमें दोनों पक्ष से राजी खुशी से वर वधु का चयन किया जाता है तथा वधु मूल्य दिया जाता है और लड़की की माँ को मायसारी देते हैं। दूसरा विवाह है उड़रिया विवाह, जिसमें लड़का लड़की अपने प्रेम प्रसंग से एक दूसरे का चयन करते हैं। तीसरा विवाह है गोलत विवाह, जिसमें लड़का एवं लड़की का आपस में आदान प्रदान किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो जिस परिवार से लड़के के लिए लड़की लाई जाती है, उस परिवार के लिए वापसी में अपने परिवार से किसी लड़की का विवाह उस घर में किया जाता है। इसे गुरावट विवाह कहते हैं। चौथा विवाह है विधवा विवाह। इसमें विधवा स्त्री का पुनर्विवाह किया जाता है। इस जनजाति में मामा फुफ्फू विवाह, भाई अपने बहन की लड़की या लड़का से विवाह रचा सकते हैं। मृतक संस्कार ये लोग 10 दिन में करते हैं। शव को ये लोग दफनाते हैं। परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु होने पर पहले ये लोग अपनी झोपड़ी को तोड़कर नई झोपड़ी बनाते थे। ऐसी मान्यता थी कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर वह झोपड़ी अशुद्ध हो जाती है। महिलाओं को मासिक धर्म एवं प्रसव के दौरान पृथक झोपड़ी में रखने की प्रथा है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। उथलू एवं जगीज दोनों समूहों में रोटी बेटी का संबंध होता है। विवाह पश्चात नव दंपत्य अपने माता पिता से अलग होकर रहते हैं। गरीबी के कारण बिरहोर लोगों के पास ऋतुकाल के अनुरूप वस्त्रों का अभाव रहता है। ये लोग शीत ऋतु में रात्रि आग जलाकर व्यतीत करते हैं तथा गर्मी के दिनों में वृक्ष के नीचे रहते हैं। इस जनजाति में गोदना आलेखन अनिवार्य नहीं है। ये लोग आभूषण अवश्य पहनते हैं, किंतु वे सस्ते धातु के होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन के निरंतर प्रयास से बिरहोर लोग अब स्थायी निवास करने लगे हैं तथा विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, किंतु अपने परंपरागत व्यवसाय रस्सी बनाना एवं लकड़ी के उपकरण एवं वाद्य यंत्र बनाना अभी भी नहीं छोड़े हैं। यद्यपि आजकल ये लोग मोहलाइन के बदले प्लास्टिक की रस्सी बनाते हैं। कुछ उतलू बिरहोर अपना घुमंतू जीवन अभी भी नहीं छोड़े हैं। एक दशक पहले ये लोग मात्र रायगढ़ जिले में निवास करते थे, अब ये लोग कोरबा एवं बिलासपुर जिले में प्रवास कर रहने लगे हैं। घुमंतू जीवन यापन के कारण शासन के आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल, शिक्षा एवं अन्य योजनाओं का उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग पिछड़े हुए हैं तथा अधिकतर संख्या में कुपोषित रहते हैं।